हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी पेरेंटिंग। फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं एक होम रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही बेनिफिट है विंटर्स के लिए, एज वेल एज किसी भी सीजन में अगर किसी को भी कोल्ड कफ होता है, चाहे बड़े हों चाहे वो छोटे हों। खासकर स्पेशली जब विंटर्स आते हैं तो हमारे मन में एक ही क्वेश्चंस रहता है कि कैसे हम बच्चों को विंटर से प्रोटेक्ट करें। सो ये जो रेमेडी मैं शेयर करने जा रही हूँ, ये चार इन्ग्रीडियंट्स से बनी है, मस्टर्ड ऑयल, अजवाइन, लहसुन और हींग। हींग इज ऑप्शनल, बट जब मेरा बेबी छोटा था तो मैं हींग इसलिए डाल देती थी मस्टर्ड ऑयल में, ताकि गैस की भी जो प्रॉब्लम है उसे शॉर्ट आउट हो जाए। सो फ्रेंड्स, आपको अगर ये मेरा वीडियो थोड़ा सा भी यूज़ में लगता है या बेनिफिट आपको लगता है इससे मिला हो, तो आप इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। थैंक यू। ये जो रेमेडी है ये बेसिकली न्यू बॉर्न बेबी के लिए ना बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। जो आपका बेबी का 1 ईयर होता है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीरियड होता है। इनकी इम्यूनिटी सिस्टम अभी बहुत वीक होती है, कोई भी वायरसेस बहुत ईजिली अटैक कर लेते हैं। खासकर विंटर्स में तो बहुत ही ज़्यादा, जब क्लोज इन्वायरमेंट होता है तो उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें होती है। हर कोई सर्दी खांसी के चपेट में पड़ा होता है तो वायरसेस बहुत जल्दी अटैक कर देते हैं। तो इन दिस केस हम लोग इस रेमेडी के थ्रू बच्चों को थोड़ा सा उनकी कोल्ड जर्नी को इजी कर देते हैं। तो गाइस, ये जो मस्टर्ड ऑयल है इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। तो पहले आप देखिए इसको मैं बनाती कैसे हूँ, आपसे शेयर करती हूँ। थैंक यू गाइस। ये चार इन्ग्रीडियंट्स मैंने लिए हैं मस्टर्ड ऑयल बनाने के लिए। 1/2 कप मस्टर्ड ऑयल है, लहसुन की कलियाँ हैं 6-7, 2 चम्मच अजवाइन है और ये 2 टिक्की हींग है। 4th इन्ग्रीडियंट जो हींग है ये आपकी चॉइस है, आप डालें चाहे ना डालें ये, पर 3 इन्ग्रीडियंट आपका मैनेट्री है। सो देखते हैं कैसे तैयार कर। ये कढ़ाई हम गरम कर लेंगे, एल्युमिनियम कढ़ाई का मैं यूज़ कर रही हूँ और ये मस्टर्ड ऑयल मैंने डाला है। मस्टर्ड ऑयल डालने पे 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे धीमे आँच पे, ताकि मस्टर्ड ऑयल गर्म हो जाए। और थोड़ा सा मैंने अजवाइन डाल के चेक किया है कि ये गर्म हुआ है कि नहीं गर्म हुआ है। उसके बाद मैं बारी बारी से सारे इन्ग्रीडियंट्स डालूंगी। तो अभी सबसे पहले मैं हींग डाल देती हूँ। हींग डालने के बाद मैं लहसुन डाल देती हूँ, लहसुन की जो के लिए, उसके बाद अजवाइन, और इनका वेट करूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, 2-4 मिनट 5 मिनट, तेल अच्छे से गर्म हो जाता है तो गोल्डन ब्राउन भी 2-4 मिनट में हो जाता है। और ये धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, लहसुन का धीरे धीरे कलर अपने में चेंज होने लगेगा इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, ये धीरे धीरे करके गोल्डन ब्राउन हो गया है और इसको हम बुझा देते हैं, और क्योंकि तेल अपने में थोड़ा गर्म रहेगा, धीरे धीरे ये और भी कलर इसका डार्क हो जाएगा। गैस बंद करने के 15-20 मिनट तक मैंने इसे छोड़ दिया था, और अब देख रहे हैं आप, मैं इस कंटेनर में इसे स्टोर करने वाली हूँ और छन्नी से इसे छान लूँगी ताकि तेल अलग हो जाए। और गाइस, मैं तो इसे 15 से 20 दिन के हिसाब से मैंने इस तेल को बनाया है ताकि मैं बच्चों को लगा सकूँ, बट अगर आप चाहते हैं तो 1 मंथ 2 मंथ्स के लिए भी बना सकते हैं। तो इसे बच्चे हों चाहे बड़े हों किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे कफ कोल्ड डेफिनेटली नहीं जल्दी इफ़ेक्ट करता है, ये बहुत ही गर्म है अपने में ये तेल। तो ये आपकी चॉइस है, आप कितने दिन के लिए बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप देख लें। मैं तो 15 से 20 दिन के लिए बनाया है मैंने। इस तरीके से पूरा छान, ये देखिए गाइस, मैंने पूरा छान लिया इस कंटेनर में, और इस तरीके से मैं इसे हटा दूंगी, और ये मेरा मस्टर्ड ऑयल तैयार हो गया बच्चे की मालिश के लिए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने रेमेडी कैसे तैयार की। तो इसे स्टोर कर लेते हैं 15 दिन 20 दिन, महीने, 1.5 महीने 2 महीने, वॉट एवर, जैसे जैसा आप चाहें, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। बट हाँ, इसको फ्रिज में नहीं रखना है, और सनलाइट जहाँ डायरेक्ट पड़ता है वहाँ पे नहीं रखना है, जैसे विंडो के पास, बालकनी में, इन सब जगह नहीं रखना है। तो ये इसको लगाने का तरीका क्या है, बच्चे को जब लगाओ तो उसके बाद नहलाना नहीं है, बाथ नहीं देना है, क्योंकि इसमें लहसुन अजवाइन ये बहुत ही गर्म तत्व माना जाता है। इसको लगाने के बाद बच्चे को, अगर हथेली में आपने लगाया है
तो इसके बाद मटन पहना दे बच्चे को, और पाँव के तलवे में लगाना है, रीढ़ की हड्डी में लगाना है पीठ की, और यहाँ के गले में और चेस्ट पे पूरा लगाना है। लगाने के बाद बच्चे को कवर कर दें, और लगाएं तभी जब बच्चा सोने वाला हो, और ये किसी को भी लगा सकते हैं, चाहे बड़ा हो चाहे वो बच्चा हो। हाँ, तो इसको बच्चे को लगाने के बाद सुला दें, जब वो सोने के लिए रेडी हो तभी आप लगाएं, ताकि इसका जो म्यूकस बन रहा है वो मेल्ट हो जाए और पॉटी और क्या कहते हैं नोज़ के फॉर्म में बाहर आ जाए। तो गाइज, इस मेन कॉन्सेप्ट इज व्हाट, कि इसको लगाने के बाद आपको बाथ नहीं देना है और हाथ को कवर रखना है, बट इवन बॉडी को भी फुल कवर करना है। फिर गाइज, आप बताइएगा आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा और रेमेडी कैसी की, प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग इसको जानते थे कि नहीं पहले भी।